24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। बिहार में भी कोटे में कोटा और क्रीमिलियर का विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, अब इस मामले को लेकर हम लोग कोर्ट जाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में पुल ध्वस्त हो गया। इस पुल के गिरने से 5 से ज्यादा गांव सहित नेपाल बॉर्डर तक का संपर्क टूट गया है। मामला जिले के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के राजबाड़ा पूर्व पंचायत का है। पुल गिरने से सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी गई है। गांव के लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी जान को खतरा जताया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं जिसमें पप्पू यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही धमकी देने वाले व्यक्ति भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वह पूर्णिया सांसद के परिवार की महिलाओं के लिए अभी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। पीएम मोदी जल्द ले सकते हैं कुछ बड़े फैसले। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में अभी तक नौकरशाही में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार दबाव में है। जया बच्चन अक्सर अपनी गर्म मिजाजी के लिए ही जानी जाती हैं। वे राज्यसभा की सांसद हैं और सदन में भी उनका रौद्र रूप दिखता रहता है। कई बार वो रो भी पड़ती हैं। शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान वो खुश दिख रही थी और इसका असर हुआ कि उन्होंने पूरे सदन को खिलखिलाने का मौका दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार शनिवार को अपने गृह जिला नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने हरनौत के द्वारिका बिघा में नव निर्मित पुल का उद्घाटन किया है। सीएम नीतीश ने अपने गृह प्रखंड हरनौत के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। गांव के लगभग 5 करोड़ का लागत से बने नव निर्मित पुल का सीएम ने आज उद्घाटन कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी गरमाई हुई है। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपने स्तर की तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। इसी बैठक बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े सहित सभी नेता मौजूद रहेंगे। पटना के रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रेन के माध्यम से हो रही गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पूरा मामला पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल प्लेटफॉर्म संख्या 2 का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार को वर्तमान में चल रहे श्रावणी मेले को लेकर विशेष चेकिंग अभियान के तहत रेल पुलिस को कामयाबी हाथ मिली है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक बहुत ही विचलित कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक महिला ने मैनहट्टन में अपने उबर ड्राइवर के आंखों में मिर्च स्प्रे छिड़क दिया। वीडियो में कैद हुई महिला का नाम जेनिफर है। महिला को यह हरकत डैशकैम फुटेज में कैद हो गई है। 15 अगस्त को लेकर एक नई दिल्ली में आज विशेष बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में एनएसजी, एसपीजी, आईबी, सेना और दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी हमले जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस बल की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। तो फिलहाल देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।